हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रशांत भूषण का बड़ा खुलासा, बोले अब ईवीएम सेटिंग से नहीं, ईवीएम बदल कर खेल किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजे आने से पहले राजनीतिक गलियारे में ईवीएम और वीवीपैट पर काफी हो हल्ला मचा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो स्ट्रॉन्ग रूम्स के आसपास ईवीएम की बरामदगी ट्रंकों, निजी वाहनों और होटल में मिले ईवीएम पर विपक्ष पार्टियां चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टी नेता का कहना है कि देश के कई हिस्सों में स्ट्रॉन्ग रूम से ईवीएम स्थानांतरित किए जाने की शिकायतों पर चुनाव आयोग को तत्काल प्रभावी कदम उठाना चाहिए। वहीं इस ईवीएम को फेरबदल में देश के जाने माने वकील और पूर्व आम आदमी पार्टी के नेता प्रशांत भूषण ने चिंता जाहिर की है। प्रशांत भूषण ने कहा कि डर ईवीएम की हैकिंग को लेकर नहीं बल्कि उसके बदले जाने को लेकर है। उन्होंने ट्वीट कर ईवीएम बदले जाने को लेकर कहा, तथा कथित रिजर्व ईवीएम को लेकर जो असामान्य तरीके अपनाए जा रहे हैं वो पक्षपातपूर्ण है और उसकी सुरक्षा को लेकर समझौता किया जा रहा है। जिस ईवीएम का चुनाव के लिए इस्तेमाल हो रहा है उसके बदले जाने का डर है। इसी क्रम में आज 22 विपक्षी दलों के साथ चंद्रबाबू नायडू भी चुनाव आयोग से मिलने जाएंगे। वहीं इस मामले में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर चंदौली में ईवीएम की सुरक्षा को लेकर कई दलों ने सवाल उठाए हैं। गाजीपुर में महागठबंधन के प्रत्याशी अफजल अंसारी ने ईवीएम बदलने का आरोप लगाया था और इसको लेकर धरने पर बैठ गए थे। एग्जिट पोल आने के बाद ये असामान्य बात नहीं है कि अनेक जगहों से ईवीएम हटाने और लाने की घटनाएं हो रही है। ऐसी अलग अलग इलाकों से लोग ऐसी घटनाओं के वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आखिर जहां मशीनें रखी गई है वहां और मशीनें लाने या ला जाने की जरूरत क्या है? इस पर चुनाव आयोग अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। बीजेपी न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।